पंजाब दे विच आम लोग हनी ट्रैप दे विच फस के या फिर कह लिए हैकर दे जाल दे विच फस के लखां दी ठगी दा शिकार हो जांदे है। उत्थे दसीए जदों इह लोग लखां दी ठगी दा शिकार हुंदे है ते फिर इहनां तों वल्लों खुदकुशियां दा राह अपनाया जांदा है। इसे तरह दा ही ताज़ा मामला सामने आउंदा है फिरोजपुर तों, जिथे फिरोजपुर दे 42 साल इक व्यक्ति दे वल्लों खुदकुशी की जाती है। दसती है कि यह व्यक्ति जिसका नाम प्रभजीत सिंह दसिया जा रहा है, इस व्यक्ति वालों पहला तो जो फोन हैकर होंगे इस तो सारी जानकारी इकट्ठा करते, चलो जानकारी प्रॉपरली इन्हों मिल जाती है, उस तो बाद व्यक्ति तो लखा रुपए की ठगी मारी जाती है। जो उन्होंने इस ठगी के नाल भी ढिड ना भरता फिर उक्त तो व्यक्ति तो लगातार ही पैसे की मांग की जाती है, पर पीड़ित व्यक्ति तो यह पैसे जो ना दिते जाते हैं। तो इस तो बाद व्यक्ति दे वल्लों खुदकुशी का राह अपनाया जाता है, व्यक्ति दे वल्लों खुदकुशी की जाती है। दस दिए कि उक्त व्यक्ति दे जो लाश है बाथरूम तो बरामद हुई है, पुलिस पूरे मामले की जांच दे विच जुटी है। उत्थे दस दिए कि 42 साल इस व्यक्ति का नाम प्रभजीत सिंह है, उसका मोबाइल फोन जो है हैक हुंदा है, हैकर जो है उसनों लगातार ही ब्लैकमेल करता है। उत्थे मौत तो बाद परिवारिक मैंबरां नूं मिले सुसाइड नोट तो सारी घटना का पता लगता है। उसके घरों प्रभजीत सिंह कोलों कुछ मोबाइल फोन सन जिसने हैकर के जाल में फस के ब्लैकमेली तो तंग आके खुदकुशी कर ली सी। परिवार वाले वालों जानकारी पुलिस को दी गई है तो पुलिस पूरे मामले की जांच के विच जुटी है। आओ थोनू सुना दें कि कुछ कहना है परिवारिक मैंबरों का। मेरा नाम हरजीत कौर है जी। मेरे पति एक बहुत ही चंगे पिता से, वो वधिया आपदा रुजगार आपदा चला के आपदे बच्चों की परवरिश कर रहे सी, पर सानू किसी ने करके भी खान नहीं दिता, कमा के भी खान नहीं दिता सानू। उन्होंने सानू तां उन्होंने सुसाइड नोट तो पता लग्या भी उन्होंने कोई बहुत परेशान कर रहा सी, प्रेशर पाया जा रहा सी उन्होंने, जिन्हां दे थो वो कहिंदे सी कि उन्होंने ब्लैकमेल करदे सी कि तुहाडी फैमिली दी फोटो ने असीं एडिट करके गलत तरीके नाल वायरल करांगे, तुहानू बदनाम करांगे, तुहाडे कॉन्टैक्ट च पा देंगे। वो बहुत शरीफ इंसान से, उन्होंने कदें तुसी पुछ सकदे हो पता कर सकदे हो, साडे आंढ गवांढ भी जाके हर कोई उन्होंने तारीफ करदा नहीं थकदा, उन्होंने कदें किसी नूं उच्ची आवाज़ चगो जवाब तक नहीं सी दित्ता। वो आपदी परमानसी दे विच ही बस उन्होंने किसी नूं किसी नाल कोई गल नहीं कदें शेयर की, किसी मेरे कोल भी नहीं शो होण दित्ता कि वो इन्ने ज़्यादा परेशान ने। मेरे पुछण दे बावजूद भी उन्होंने यही कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हाँ, कोई टेंशन वाली गल नहीं हैगी परेशानी वाली। मैं बच्चे चढ़ाउण गई सी, मेरे डेली दा रूटीन सीगी, मेरे आउंदिआं नूं तैयार हो जांदे सी, मैं आके खाणा बणाउंदी सी, उह जांदे सी ड्यूटी, पर उस दिन उन्होंने बाथरूम दा दरवाजा सीगा लगातार टूटी चलण दी आवाज़ आउंदी सीगी, ते मैनूं कुछ अजीब जिहा लग्गिआ, मैं आख्या कि उह लग नहीं रिहा वी उह नहा रहे ने जां किवें, लगातार टूटी चल रही है पर नहाउण दी कोई आवाज़ नहीं आउंदी। मैं उन्होंने आवाज़ा मारिया बहुत, मैं क्या तुसी ठीक हो, मैनू कोई आवाज़ नहीं दी उन्होंने। मेरे जेठ का बेटा है जी, मैं उन्होंने आवाज़ा मारिया, उन्हें आके आवाज़ दी चाचा जी दरवाज़ा खोलो, कुछ नहीं बोले वो अगों, उन्होंने कोई रिस्पोंस नहीं दिता सानू, उन्हें दरवाज़ा भन्या तो उदों तक वो है नहीं सके। हाँ जी घर दे वॉशरूम च। परिवार विच कौन कौन आ, किन्ने बच्चे तुहाडे? असीं चार ही मैंबर सी जी परिवार विच, दो मेरे बच्चे, मेरे पति ते मैं, पर हुण साडे परिवार च कोई रुजगार दा साधन नहीं, कोई कमाउण वाला नहीं, उह कल्ले कमाउण वाले इंसान सी साडे परिवार नूं चलाउंदे सी। तां की मंग की करदे? इंसाफ दी मंग करदे आ असीं, साडे बारे सोचे पंजाब सरकार, सानूं कोई मदद मुहैया करवाई जावे, यही अपील है। हरजीत कौर उत्थे दस दिए कि परिवारिक मैंबरां दे वल्लों लगातार ही इंसाफ की मांग की जा रही है, तो परिवारिक मैंबरां का कहना है कि जल्द तो जल्द इन हनी ट्रैप वाले व्यक्तियों नूं ते इन दोषियों नूं फड़िया जाए। फिरोजपुर तो सुखचैन सिंह की रिपोर्ट, स्काई न्यूज़ पंजाब।